सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप अभी देख पा रहे हैं श्री एक हजारा आदिनाथ जिनालय दिगंबर जैन मंदिर इटवा खास का मुख्य पृष्ठ द्वार, जिसको हम सभी लोग शूट करने जा रहे हैं। और यह है जो देव समोसान की ये जो पूरा जो मंदिर ये प्रांगण ये भरा हुआ है। आज सुबह 9 बजे का समय, आज का जो दिनांक है वह 14-13 तारीख से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर आज जो है वह 11 तारीख है। 11 तारीख सोमवार अगन मासे और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन है। हम इस मंदिर का प्रांगण सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक मंदिर का मेन पृष्ठ द्वार है। अब हम ये आप देख पा रहे हैं, यह मंदिर का मेन गर्भालय है, जिसे हम यहाँ पर पूजा स्थान आदि का दिया गया है। और यह मेन पृष्ठ द्वार जो जुड़ा हुआ है आपके मेन द्वार से, इसको आप देख पा रहे हैं। यह पूरा अभी अभी निर्माण किया गया है, जो यहाँ पर अभी पंचकल्याणक हुआ था। उस पंचकल्याणक का उल्लेख अभी बताया जा रहा है। उस पंचकल्याणक के उल्लेख अभी नई वेदी का निर्माण 2021 और 22 के अंतराल में किया गया। इसी के बाई ओर हम चलते हैं तो यह जो अभी चल रहा है, यह अभी इसके आचार प्रविष्टि की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान की गई है। जो आचार प्रविष्टि की प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है, आप इन प्रतिमा के दर्शन भी अच्छे से कर सकते हैं, जो यह बताया जा रहा है। इसी के अंतराल में हम जाते हैं इसके प्रस्थान, जो अपार उपाध्याय प्रविष्टि की प्रतिमा विराजमान की गई है। यह उपाध्याय प्रविष्टि के प्रतिमा है, आचार प्रविष्टि उपाध्याय प्रविष्टि लेफ्ट हैंड साइड मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बताई जा रही है। और यह जो मूल नायक आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वह 1100 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। हम उस प्रतिमा के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं, जिस प्रतिमा का हम आपको उल्लेख करते हैं। आप इस प्रतिमा को देख पा रहे हैं, प्रतिमा 1100 ईयर्स ओल्ड दिस स्टैचू ऑफ आदिनाथ भगवान ऑफ इटवा खास। तो यह प्रतिमा इटवा खास की सबसे पुरानी प्रतिमा बताई जा रही है। इसके आंकड़ा लगाना भी कहा जाता है, जो पूर्व में बता रहे थे उस प्रतिमा का 1100 वर्ष से भी पुरानी प्रतिमा का उल्लेख किया गया है। यह यहाँ की चमचमाती हुई ये पूरा का पूरा मंदिर आप देख पा रहे हैं, जो प्रतिमा का बताया जा रहा है। अभी पूजा अभियान चल रहा है, देख पा रहे हैं ये पूजा चल रही है। इस पूजा का आनंद सभी लोग उठा पा रहे हैं। समय चल रहा है और यह हमारा गर्भालय और यह हमारा मुख्य द्वार जो अभी निर्माण किया गया है, इस आपको देख सकते हैं। यह पूरा आचार्य श्री की यह प्रतिमा फोटो लगाई गई है और इसके द्वारा हम लोग यहाँ का प्रांगण लेने वाले हैं। और यह जो अब हम चलते हैं पीछे के पृष्ठ द्वार की ओर, जो सबसे पुराना पृष्ठ द्वार है और इसका जो है यह धर्मशाला पीछे से दिखा दी गई है, यह आगे से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर का सेकंड फ्लोर है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं ये। और यह ऊपर का गुमटिया गुम्मट है जो ऊपर को दर्शाता है। यहाँ जब सुबह सूरज निकलता है तो यहाँ की अलग ही रौनक होती है, अलग ही यहाँ का वातावरण होता है, जो इसको और अच्छा शानदार एवं खूबसूरत बनाता है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का प्रथम द्वार चल रहा है। यह मंदिर फैला हुआ है, कम से कम 4000 स्क्वायर फीट के अंतराल में, 4 से 5000 स्क्वायर फीट के अंतराल। आप देख पा रहे हैं
कि यह जो मंदिर है, यह मंदिर का धर्मशाला निर्माण किया गया है जो आज से 15 या 20 वर्ष 25 वर्ष पुराना किया गया था, और यह अब आ गया है मंदिर का नया जीर्णोद्वार द्वार, जिसे खोला गया है उत्तम पूर्व की ओर। यह उत्तम पूर्व का प्रथम द्वार है, यह सामने से गेट किया गया है, यह पूरा मंदिर का द्वार बताया जा रहा है, आप इसे देख सकते हैं। हम आपको दर्शन करा रहे हैं एटमा खास के गुम्मट के, जो आज से नहीं, आज बहुत प्राचीन, बहुत 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 प्राचीन के बाद जीर्णोद्वार किया गया था। इस गुम्मट का आपको सबसे ऊपर का शिखर दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा गुम्मट एटमा खास का है। यह बहुत बड़े मंदिर आकार में फैला हुआ मंदिर है, आप देख पा रहे हैं अभी इसे मंदिर को। ये मंदिर का मेन है, जहाँ आदिनाथ भगवान विराजमान है इसके नीचे, और यह मंदिर का गर्भालय जो हम अभी आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये चारों तरफ से पूरा कैमरा सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पूरा कवर है, और यह मंदिर का प्रांगण है, और मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमने आपको आगे से दिखाने की कोशिश की है जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी हमारे पूरे सकल दिगंबर जैन समाज एटमा खास की तरफ से आप इस मंदिर का एक बार पुनः 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 दर्शन करें एवं हमें कृतार्थ करें। इसी मंदिर का शुभ अवसर 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का, उससे भी और ऊपर प्राचीन प्रतिमा बताई जा रही है, पर उसके हिसाब से 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा अक्षयकारी श्री 1008 आदिनाथ, मूल नायक आदिनाथ भगवान का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी मेरी भावना है। जय बोलिए श्री 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान एवं आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, विश्व सागर जी महाराज, त्रिनिनो कोटि मुनिन्द्यो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।